नानक नाम जहाज है चढ़े सोतरे पार, जो श्रद्धा कर सेव दें गुरु पार उतारण हार। करतारपुर साहिब ऐसी जगह जहां गुरु नानक की समाधि भी है और मजार भी। गुरु नानक सिखों और हिंदुओं के लिए गुरु तो मुसलमानों के लिए पीर हैं। यहां हिंदू सिख सिर झुकाते हैं और मुस्लिम सजदा करते हैं। ये स्थान आस्था, ज्ञान, भक्ति और इबादत का मिला जुला संगम है। आज के परिदृश्य में जब धर्म को लेकर नफरत फैलाई जा रही है, ऐसे में करतारपुर बना हुआ है समभाव की जीती जागती मिसाल। ये हिंदुस्तान में डेरा बाबा नानक से 5 किलोमीटर दूर पाकिस्तान में है। माना जाता है करतारपुर साहिब में गुरु नानक देव जी ने अपनी जिंदगी के आखिरी 18 साल गुजारे। उन्होंने करतारपुर साहिब को बसाया, किरण कर वंड छकन का संदेश दिया, यानी मेहनत करो और बांट कर खाओ। ये प्रथा आगे चलकर लंगर के नाम से अब भी चलती आ रही है। बरसों तक नानक देव जी ने यहाँ खेती की। रेंटों या टिंडों वाली खूह यानी कुआं आज भी यहाँ पर है। बाबा नानक खेतों में सिंचाई इसी कुएं के पानी से किया करते थे। इसी कुएं के पास ये गुरु घर बना है और ठीक उसके बिल्कुल बाहर मजार है। गुरु नानक देव का देहांत 22 सितंबर 1539 को करतारपुर साहिब में ही हुआ था। वे सिखों के पहले गुरु तो थे, लेकिन उनके चाहने वाले हिंदू और मुस्लिम भी कम न थे। बाबा के देहांत के बाद हिंदुओं और मुसलमानों में अंतिम संस्कार को लेकर बातें होने लगी। हिंदू उनका अंतिम संस्कार हिंदू विधि से, तो वहीं मुस्लिम सुपुर्द खाक करना चाहते थे। मगर जब हिंदू और मुस्लिम भाईचारे के लोग उनकी पवित्र देह तक पहुंचे तो वहां सिर्फ एक चादर और उसके नीचे दो फूल थे। दो समुदायों के लोगों ने चादर और फूल को दो हिस्सों में बांट लिया। आधी चादर और एक फूल हिंदुओं ने तो आधी चादर और एक फूल मुसलमानों ने अपने पास रख लिया। इसी के बाद यहाँ समाधि और मजार बनी। मुसलमान आज भी यहाँ चादर चढ़ाते हैं। यहाँ अगर कोई मजार की तरफ पीठ भी कर ले तो सेवादार आकर तुरंत टोक देते हैं। इसके बिल्कुल पास बने गुरुघर में वो स्थान है जहाँ हिंदुओं ने आधी चादर का दाह संस्कार कर समाधि बनाई थी। इसी भवन में श्री गुरु ग्रंथ साहिब का प्रकाश किया गया है। इसके अलावा करतारपुर साहिब में फकीर खाना म्यूजियम में पुरानी तस्वीरें हैं। यहाँ का बाजार छोटा सा है, लेकिन यादों का सामान खरीदने के लिए वो काफी बड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, दैनिक भास्कर।